जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, जिंदगी के मोड़ पे कई बार हम अपनी जिंदगी में अटक जाते हैं। कई बार हमें आगे का रास्ता समझ नहीं आता कि क्या करा जाए। ऐसे ही कुछ मोड़ से हमारे कुछ दोस्त गुजर रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ कुछ अपनी क्वेरीज लिखी हैं, कुछ कुछ हमारे को क्वेश्चंस लिखे हैं, प्रश्न लिखे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी प्रॉब्लम उन प्रश्नों में हो सकती है। हमारे साथ उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। तो कई, जैसे हम अभी एपिसोड्स कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस हमारे दर्शकों के आंसर करे, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं जिसमें उन्होंने अपने गोल्स और अपने करियर के बारे में पूछा है। तो एक एक करके हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला एक ये क्वेश्चन है, इनका नाम अभिनव है। इन्होंने ये लिखा है कि मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, जिसके लिए मुझे सुबह उठना ज़रूरी है। जॉब मेरी काफ़ी हेक्टिक है, तो सुबह मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि रात को मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। लेकिन अगर मैंने ये गोल पूरे नहीं किए तो आगे लाइफ में मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें कि मैं सुबह कैसे उठ सकूँ। जी जी, यानी अभिनव जी को मैं ना दो टेक्निक बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो प्रैक्टिकली वर्क करती है। एक स्टोरी बताता हूँ। हाँ जी। तो ना इस स्टोरी से वो क्लियर होगा एक बात, तो कि इनके जैसे ही कोई एक व्यक्ति था कि जो ये सोचता था कि मुझे सवेरे 5:30 बजे उठना है, उसने एक बार 5:30 बजे का अलार्म भी लगाया और जब बजाना तो ठक करके बंद करके फिर से सो गया। अच्छा। फिर जब उठा ना तो करीब 7 बज गए थे। तो बड़ा नर्वस हो गया। परंतु फिर किसी को उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि तुम अब इस पे चिंतन करो। उसने सचमुच उस दिन चिंतन किया कि भी क्या हुआ ना, चाहे मेरी नींद भले थोड़ी सी कम थी परंतु मैंने निर्णय तो किया था कि मुझे उठना चाहिए, मुझे उठना ही है। अभी नहीं, कल मैं उठने ही वाला हूँ, चाहे तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा, है ना। जो मैं काम करूंगा वो थोड़ा रिलैक्स वे में करूंगा ताकि मैं इतना थकूंगा नहीं, है ना। मेरे टाइम वेस्टर्स कौन से है उसको मैं ढूंढूंगा और फिर वो टाइम थोड़ा सेव करके मैं 15-20 मिनट भी जल्दी सो जाऊंगा। मैं पक्का उठने वाला हूँ, यस यस यस, मैं उठने ही वाला हूँ, है ना। कहते हैं कि दूसरे दिन भी है ना, वापस अलार्म बजा तो फिर से उसने बंद कर दिया। लेकिन 5 मिनट के बाद दरवाजे पे आवाज आई, ठाक ठाक ठाक। तो नींद में उठ के दरवाजे पे गया, गया तो देखा तो बेवा रावण था। ये स्टोरी है इसे। तो रावण, उसने बोला क्या है, तो रावण ने कहा उठ जाओ, देखो कल तुम नहीं उठे थे और फिर तुमने जो सब चिंतन किया तो उससे मेरे 2-3 फ्रेंड तुम्हारे पास आ गए, या तो मेरे से चले गए। मैं आज तुमको उठाने के लिए आया हूं। अगर तुम नहीं उठे तो फिर से तुम चिंतन करोगे, फिर से तुम कंटेम्पलेशन करोगे और उसमें और मेरे कुछ फ्रेंड मैं गवा दूंगा, इसलिए उठो उठो। तो उठ गया। भले कहानी जैसा है परंतु इसका मैसेज ये है कि अगर एक दिन आप नहीं उठ पाते हैं तो गिल्ट फीलिंग में नहीं जाओ। हाँ जी। उल्टा आप चिंतन करो, कुछ कंटेम्पलेशन करो अच्छे से कि भी कैसे कैसे उठूंगा, कौन से मेरे टाइम वेस्टर्स है, कहाँ मैंने एनर्जी को वेस्ट किया, कैसे मैं डिटैच होकर के भी तो अपना कार्य कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट डे आप जल्दी से उठेंगे। और एक तरीका है, ऐसे जब केसेस होते हैं ना
एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया, कभी मैंने डिस्क्राइब भी किया, मैं वापस कर रहा हूँ यहाँ, कि जब ऐसा हो ना कि भी आपको एक बार समझ में आ गया कि भी अलार्म बजा तो भी आप बंद करके सो गए, तो क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति ने सचमुच ऐसा किया कि अलार्म क्लॉक को एक बॉक्स में डाला, अच्छा, उसको रस्सी से बांध दिया, फिर ऊपर एक अच्छा सा रैपर लगा दिया, उसको भी ग्लू लगा दिया और कहीं दूर रख दिया, और जब अलार्म बजा, अभी तो क्या करे, अलार्म तो बज ही रहा था, तो उसको उठना ही पड़ा। उठा, वहां पर 10 कदम गया, वो रैपर उसने फाड़ा, फिर उसके अंदर जो रस्सी से बांधा था रस्सी को खोली, फिर से वो बॉक्स को खोला और फिर अलार्म को बंद किया। तब तक वो जाग गया था। अच्छा, ओके। तो 2-3 मिनट लग गए ना सब करने में, तो उतने में तो जाग गया था, फिर लगा अभी तो सोने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको ये कह सकते कि कंपल्शन क्रिएट करना, कि वो आप बंद करके सो ही नहीं सकते, ऐसा ना, कुछ कंपल्शन क्रिएट करो। कई बार तो ये भी कर सकते हैं, फिर आपको गुस्सा नहीं कर रहा है, घर वालों को बोलो कि मैंने उठा तो मेरे पे पानी डाल दिया, देना, हाँ, तो मेरे को उठना ही पड़ेगा, फिर आपको गुस्सा नहीं करना है। ऐसे कुछ ना कुछ कंपल्शन क्रिएट करो, और एक बार उठ जाओ। मेरा अपना ही अनुभव है, मैं ये प्रैक्टिकली करता हूँ, भल मैं 6 से 7 घंटा नींद लेता ही हूँ, जितना हो सके जल्दी सो जाते हैं ना, तो 4 बजते हैं ना, तब तक हमारे 6 घंटे हो जाते करीब, और फिर उठ के सीधा वॉशरूम में जाना है, ब्रश करना है, पानी डालना है, भले थोड़ा ही, दोबारा भी स्नान करेंगे, वो कंप्लीट जो मतलब शावर नहीं है, थोड़ा सा ही, तो एकदम फ्रेश हो जाते, चाय की भी जरूरत नहीं होती है, फिर नींद खुल जाती है। हाँ, नहीं, एकदम फ्रेश हो जाते और अच्छा भी लगता है। फिर जैसे मैं तो कुछ एक्सरसाइज करता हूँ साथ साथ, कहीं भी नहीं, जहां पर भी हमको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो वो सुनते हैं हम, है ना, तो ऐसा हेल्प मिल जाती है। नहीं, और सचमुच में वॉशरूम में गए, पानी डाला, तो कितनी भी थकावट है वो, तब तो हम फ्रेश हो ही जाते हैं, समझो 6 घंटे की नींद नहीं हुई तो वापस थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। एंड आई थिंक एक चीज और है जो मुझे फील होती है, जब हम सुबह उठने की ये जो बात पूछ रहे हैं, हमें 15-20 दिन ही एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि 20th day के बाद वो चीज थोड़ा सा ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाती है। नहीं, इवन एक वीक में रूटीन में आ जाएगी, एक थोड़ा सा, हाँ, एफर्ट करना पड़ेगा, उन्हें ढूंढना है कि भी टायर्डनेस कौन सी चीज करती है मुझे। जैसे भी ना, हमारा कई बार ये इंटरव्यू सारा दिन चलते हैं, हाँ जी, कि मैं तब भी बीच में कोशिश करता हूँ कि हमको रिलैक्स थोड़ा सा रहना है, ज्यादा नहीं, मतलब स्ट्रेन नहीं करना है, आप डिटैच रहो तो ज्यादा थकेंगे नहीं, चाहे सारा दिन आपने ये रिकॉर्डिंग किया है। एंड इन फैक्ट भाई जी, मैं एक चीज और सोचती हूँ, इनका जो एम है, अब मतलब either you should you know go with your excuses or you should go with your goal. Aim. So either you know winners never have excuses and agar aap winner hain to aap kabhi bhi apni excuses ke saath nahi jayenge, lekin agar aap quitter hain, quit karna hi chahte hain, usme to aapko koi aur rok hi nahi sakta. And jo ek cheez maine bhi feel kari hai apni life mein, your mind is the most powerful tool. Agar aapne ek thought create kar li, nobody in the world can stop you from that, achieving it. That but you have to be very strong. Strong. So I think ये चीज अगर ये अपने अंदर भी लाएं कि मेरे लिए वो aim कितना important है. How bad do you want it? और फेल हुए तो क्यों हुए? क्यों हुए? अभी मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा? उसका जो मैंने contemplation बोला ना, चिंतन करे वो तो इजी है. तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो आई होप अभिनव जी का ये क्वेश्चन हम आंसर कर चुके हैं। बहुतों का है, तो सब मेरे उठने का तो हमारे पास हाँ, आई थिंक ब्रह्मा कुमारी बीकेस सुनते हैं इसको, बीकेस में भी बहुत ये रहता है, एक अच्छा सा ये मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, तो इनका नाम रजत है। ये लिखते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ नोएडा में, दिल्ली से हैं ये, एंड मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ, 8-9 साल हो गए हैं, अभी 2 साल पहले ही मेरी मैरिज हुई है, एंड आई हैव जस्ट बीन ब्लेस्ड विद अ किड। लेकिन अब समस्या ये आ रही है, क्योंकि मेरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, मैं IT कंपनी में हूँ,
तो ना तो मैं जॉब पे कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पा रहा हूँ, ना मैं घर पे टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं और मॉर्निंग में मेरे पास टाइम इतना होता नहीं. सो मेरे को थोड़ा एडवाइस करें कि मैं क्या करूँ, बिकॉज आई एम रियली रियली स्टक इन लाइफ. तभी इनको भी यही बोलना तो पड़ेगा कि आपको एक अगर पॉसिबिलिटी हो तो, शायद पॉसिबिलिटी ना भी हो, पॉसिबिलिटी हो ना तो एक ही शिफ्ट ले लो. जब ये शिफ्ट चेंज होती है ना तब दिक्कत है, क्योंकि फिर आपका ब्रेन उससे एडजस्ट नहीं होता है. समझो एक सप्ताह आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, फिर एक सप्ताह सेकंड शिफ्ट है, ऐसा कुछ हो ना तब दिक्कत होती है. थोड़ा कुछ रिक्वेस्ट करके आज नहीं, आईटी कंपनी में तो कई बार वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो उसको लेकर के सोचे कि हमेशा मुझे नाइट शिफ्ट दे दो चाहिए, तो हमेशा नाइट शिफ्ट ले लेना, फिर वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है. हाँ जी, फिर समझो आए इतने थके नहीं है तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम दिया सवेरे सवेरे, फिर जो उनको 6-7 आवर्स की स्लीप चाहिए वो स्लीप उन्होंने कंप्लीट कर ली, फिर से भी थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो तब भी फैमिली के साथ वो टाइम दे सकते हैं. अपनी कुछ हॉबीज है तो उसको परस्यू कर सकते हैं, एक तो अगर ये ऑप्शन मिले तो. दूसरा आईटी में है तो वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन होता है. हाँ जी, तो भले सजा के लिए नहीं, परंतु ऐसा कुछ भी महीने में मुझे 4 दिन या कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दो. और तब नहीं, वो वर्क फ्रॉम होम अच्छे से करे और फैमिली के साथ भी टाइम दे. हाँ जी, इधर फैमिली के साथ भी उन्होंने 4 दिन अच्छे से दिए और फिर जो काम करना है उसने रात को ठीक से कर लिया. तो दोनों जो बैलेंस रहना चाहिए वो दोनों का बैलेंस हो जाएगा. और एक चीज जो शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सबको बहुतों के लिए काम की चीज है, कि जो हम थकते हैं ना आजकल देखो तो फिजिकल वर्क तो है ही नहीं. हाँ. आप थक रहे हो मेंटली. हाँ जी. और मेंटली कब थकते कि जब अपना प्रेशर देते हो. जो चीज को हम इंजॉय करते हैं ना, समझो अभी किसको पढ़ने का आनंद आता है, देखो नॉवेल लोग पढ़ते हैं ना. हाँ जी. 20 घंटा भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो नॉवेल में उनको इंटरेस्ट है, interest है ना. हाँ जी. तो ऐसे ही वर्क को भी आप एक डिटैच वे में करो ना, उसको प्रेशर नहीं समझो. एक आराम से मैं डिटैच वे में कर रहा हूँ तो आप कभी भी थकेंगे नहीं. हाँ जी. है ना. तब बैठने का भी सोच, जैसे अभी भी हम बैठे हैं, अगर रिलैक्स वे में बैठे ना तो थकेंगे नहीं. अगर मैं टेंशन में बैठा हूँ तो कुछ समय के बाद थक जाऊंगा. बोलने में भी आया ना कि प्रेशर है, मुझे नहीं आता है, कैसे होगा, है ना, वो भी तो फिर थकेंगे. अगर मैं नेचुरली बोलता हूँ, मेरे अपने सब अनुभव है ही है, वो खाली उस समय जब आप उससे थोड़ा रिकॉल करना है, और फिर अगर हम करते हैं तो शायद 12 घंटे अभी हम ऐसे डिस्कशन करें थकेंगे नहीं. तो ये उनको प्रैक्टिस करने चाहिए. स्पिरिचुअलिटी भी हेल्प करेंगी. हाँ, थोड़ा भी मेडिटेशन सीख ले वे ना, तो बीच में नहीं, मतलब डिटैच करने में हेल्प करेगा वो. एंड इनफैक्ट आपने ना एक चीज बताई थी जब हम सक्सेस के ऊपर भी बात कर रहे थे, उसमें आपने बताया था कि अगर हम टाइम दें, कुछ हैबिट्स जो आपने डिस्कस करी थी कि अगर हम घर पे फोन कर दें एक 2-4 घंटे में या 2-3 घंटे में, तो एटलीस्ट घर वालों को भी लगता है कि ये जो है सिर्फ काम में ही मगन नहीं है. एटलीस्ट वंस तो वो हैबिट डाल, सबको डालनी चाहिए कि घर वालों का भी ध्यान फोन कर रखा जा, क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपके लिए एक ब्रेक भी हो गया. रूटीन है रोज का, क्या हो बात करेंगे. अगर हम ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मिलकर अपनी फैमिली से एक रूटीन बनाएं कि जैसे हफ्ते में एक बार बाहर चले जाएं, महीने में एक दिन कहीं उनको ले जाएं, तो वो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि नहीं नहीं दे ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग. बाकी फैमिली को भी समझना चाहिए. मैं तो ये सोचती हूँ कई बार आज की डेट में कुछ वाइव्स हैं जो ये चाहती हैं कि जो हस्बैंड है वो पैसा जरूर कमाए, बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ बात आती है कि हार्ड वर्क की या कहीं और इन्वेस्ट करने की टाइम, तो वो बिल्कुल रेडी नहीं होती. वो कहती है नहीं नहीं नहीं, टाइम मेरा ही होना चाहिए लेकिन पैसा भी पूरा आना चाहिए. तो आई थिंक ये भी हमें समझना पड़ेगा दैट इफ समबडी इज वर्किंग हार्ड और इवन घर की भी जिम्मेदारियां संभल रही हैं, सो यू शुड गिव दैट पर्सन सपोर्ट रादर देन यू नो कंप्लेनिंग
कि टाइम दो, घर आओ, ये करो, then the person will eventually become frustrated. Frustrated, you know, बार-बार complaining mode में आएंगे. और पर इसमें एक तो ऐसा भी करना चाहिए, अगर बच्चे छोटे हैं ना, तो जब घर आते हैं ना, तो सचमुच उनके साथ खेलो. अपना फोन वोन छोड़ दो. एक्टिविटी समथिंग, एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ, नो छुपा छुपी खेल रहे, घोड़ा बन के बच्चे को ऊपर बिठा दिया, बहुत कुछ पॉसिबल है. बच्चे अगर 5-6-7 साल के हैं तब तक तो, एंड घर पे अपना काम नहीं लाना चाहिए. एक्सरसाइज हो नहीं, इसमें फायदा ही, अगर ऐसा करने से बच्चों के लिए आपने टाइम दिया और आपकी एक्सरसाइज होगी. नहीं भाई जी, मैं कह रही हूँ कि कई बार लोग घर पे भी काम ले आते, वो तो करना, वो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के साथ भी हो, लैपटॉप पे भी लगे हुए हो, देन इट इज नॉट गुड. नॉट एंड में भले आज ऐसे कहीं ऐसे वर्क है कि भी उनके ईमेल आते रहते हैं, तो बिफोर स्लीप चाहे तो आप देख लो कि जब आए ना, एटलीस्ट ऐसा सोचोगे हाफ एन आवर बच्चों के साथ एक्सक्लूसिवली देना है. दे सकते हैं उनके साथ, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज हो गई. और बच्चों को भी ये हुआ कि भाई पापा ने मेरे को टाइम दिया, दिया है, उनका टाइम भी हो गया, है ना, आपकी एक्सरसाइज हो गई. स्पेशली जिम में नहीं जाओ चलेगा, ये कोई जिम तो अभी कल्चर बनना, क्योंकि जीवन शैली में एक्सरसाइज नहीं है. अगर जीवन शैली में वॉकिंग एक्सरसाइज आदि हो जाए तो कोई जिम की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल, जहाँ भी नहीं, 100 से ज्यादा साल लोग जी रहे हैं ना, वैसे एरिया है जहाँ कोई मॉडर्नाइजेशन बहुत नहीं है अभी भी, तो वहाँ कुछ ऐसे गैजेट्स, जिम आदि नहीं है. वॉक पे जा सकते नहीं, उनकी दिनचर्या ही है. वॉक पे भी हो तो नहीं जाते, उनकी दिनचर्या ही ऐसी है. समझो पहाड़ी का इलाका है, उनको पहाड़ी में नहीं चढ़ना है. ये लोग तो शहर में रहते हैं ना, नहीं तो फिर और कुछ इनके लिए, मतलब मैं ये समझती हूँ, ये थोड़ा टाइम निकाले वॉक के लिए भी, अपनी वाइफ को साथ ले जाए. बच्चों के साथ खेले तो बस हो गया, तो टाइम भी बैलेंस, 40 मिनट्स भी है, 20-20 मिनट्स दोनों को दिया, तो एवरीबॉडी विल बी हैप्पी. एग्जैक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को लिख रही है ये कहते हैं कि मैं एक लाइफ में गोल बनाना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी ऐसा एम नहीं है जिसके लिए आई शुड लिव माय लाइफ. इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनालिटी भी वैसी बनाना चाहती हूँ दैट इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकूँ. तो आप मुझे अगर थोड़ा सा गाइड करें दैट हाउ शुड आई बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग सो दैट आई कैन प्लान समथिंग फॉर माई लाइफ एंड आई कैन अचीव इट. एज क्या है ये, इन्होंने एज नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने लिखा है कि अभी मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करी. अच्छा, मतलब कि ओल्ड नहीं है. शी इज जस्ट कंप्लीटेड हर स्टडीज. तो अभी तो ये करना पड़ेगा कि जो उन्होंने स्टडी की है उस एरिया में, अभी उससे कुछ रिलेटेड जो हमने डिस्कस भी किया है कि उस एरिया से रिलेटेड थोड़ा आराम से टाइम देवे. हाँ जी. चाहे तो 1 महीने का टाइम ले लो, कोई बात नहीं है, है ना. थोड़ा मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, और फिर जब रिलैक्स होते हैं ना, तब ये सोचो कि मैं क्या चीज को एंजॉय करूंगी. एग्जैक्टली. क्या मैं करूं ताकि वो काम नहीं है, वो मेरे लिए एंजॉयमेंट है, है ना. ऐसा कौन सा एरिया हो सकता है, या तो जो करने में मुझे मजा आए, मजा आए. समझो कि वो टॉकेटिव है, तो उसी फील्ड में ऐसा कोई चीज की जहाँ कम्युनिकेशन बहुत हो. अगर वो इंट्रोवर्ट है तो फिर उसी एरिया में ऐसा कुछ की जहाँ पर ऑफिस वर्क है, डेस्क वर्क है, उनको लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना है, है ना. इस प्रकार से अगर वो एक्टिव है तो फिर ऐसा कुछ एरिया ढूंढेगी जहाँ उनको फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और वो काम भी होगा साथ साथ में, है ना. सपोज उनको स्टडी करने का शौक है, तो उसी में कुछ रिसर्च का ढूंढ सकते हैं कि वो रिसर्च करे, ताकि उनके स्टडी का जो उनकी एप्टीट्यूड है वो स्टडी भी करेंगे और रिसर्च भी होगी. तो ये सब एरियाज को थोड़ा सोचे शांति से, और फिर जो उन्होंने पढ़ाई की है ना उसमें सोचे. ये नहीं कि भी अभी मैंने और क्यों नहीं पढ़ा, अभी वो खत्म ही हो गया. जैसे ना कहीं मार्केट में गए तो जो सब्जियां और फल मिल रहे उसी में से चुनना है. अभी वहां पर यही है, तो आपने जो पढ़ाई की है तो उससे रिलेटेड कुछ 5-6 चीजें हो सकती है, और बस वो मुझे करनी है. चाहे अभी आपको नहीं भी दिख रहा है, ये हो सकता है कि अभी यहाँ तो ऐसा जॉब नहीं है, मुझे कोशिश करने दो,
भाई ये कुछ बिजनेस करेंगे तो चलेगा या नहीं चलेगा, डोंट वरी. आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए, आपके पास स्ट्रेटेजी हो, और फिर वो छोटे से भी शुरुआत करो. ऐसे में कई बार ये होता है कि भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और लॉस हो गया तो चाहे तो आप छोटे से शुरुआत करो कि आपका लॉस उतना सा ही है, कोई बहुत बड़ा आपका लॉस. कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बड़ा ही करेंगे काम. नहीं कर भी सकते बड़ा, नहीं नहीं बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बड़ा रिस्क भी लेने के लिए बड़ा आएगा. नहीं रिस्क लेने के लिए अगर वो व्यक्ति तैयार है तो बड़ा भी कर सकते हैं, और वो कैलकुलेटेड रिस्क हो तो उनको फिर बड़ा रिस्क उस अनुसार लेना पड़ेगा. तो आई थिंक ये अच्छा है कि अगर इवन पर्सनालिटी की अगर हम बात करें जिन्होंने बोली है, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने आप ही बन जाएगी अगर गोल आपका स्ट्रॉन्ग होगा. आपको जितना ज्यादा जरूरी वो गोल होगा उतना ही तेजी से आप उसको अचीव करने की कोशिश भी करेंगे. एंड नथिंग कैन देन स्टॉप यू. आई थिंक हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, एंड ये कहीं दर्शकों से आए थे. नॉट ओनली वन, दो या तीन लोगों ने सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे, भले ही अलग तरीके से थे लेकिन क्वेश्चन सिमिलर थे. तो वी होप कि हमने आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर दिए हों. तो आई थिंक और भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम थोड़े से अलग टॉपिक्स लेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में. सो वी वुड रियली वांट यू कि आप हमारे वो क्वेश्चंस को थोड़ा रिजॉल्व करें. थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश, आपने टाइम निकाला और हमारे दर्शकों की इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई. थैंक यू सो मच. थैंक्स. ओम शांति. तो दर्शकों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप लिखते रहिए हमें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उनका उत्तर दे दें. एंड कुछ ना कुछ अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स भी हैं जिन पे आप चर्चा करना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं. हमारे लिंक सारे मेंशन्ड हैं, हम ज़रूर उन टॉपिक्स को उठाएंगे. थैंक यू. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.